यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट ऊपर अच्छा है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूड ब्लॉग्स। आई एम सो नर्वस टुडे। देखो पूरा मेरा फॉर्मल कोट वोट पहनकर आई हूँ क्योंकि टुडे इज द ओपनिंग ऑफ माय ड्रीम रेस्टोरेंट। ओह माय गॉड, चलिए आपको दिखाते हैं और टूर कराते हैं और खाना पीना सब कुछ दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने आई है ज्योति। कैसा लग रहा है नया रेस्टोरेंट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हे गाइस, सो वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया का बिगेस्ट क्रिकेट फेस्टिवल आईपीएल इस समर आने वाला है एंड यू've got a chance to win big in this IPL. एंड्रयू रसेल इनवाइट्स यू टू बेट योर प्रेडिक्शन एंड अगर आपका प्रेडिक्शन सही जाता है तो आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। मोस्ट बेट ऐप से आप रियल कैश जीत सकते हो, सिर्फ आपको प्रेडिक्शन करना है। जैसे कि मुंबई वर्सेस चेन्नई क्रिकेट मैच में कौन जीतने वाला है, अगर आपका प्रेडिक्शन सही होगा तो आप विन कर सकते हैं रियल कैश प्राइजेस। और आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बॉल में क्या होने वाला है, कितने ओवर्स में कितना रन बनने वाला है और उसमें भी आपका प्रेडिक्शन सही होगा तो आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। आप लाइव मैच में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी आप अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं जैसे कि टेनिस, कबड्डी एक्सेट्रा। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज स्पोर्ट्स, मोस्ट बेट में बहुत सारे और भी गेम है जैसे कि एविएटर, अंदर बाहर, जेट एक्स, क्रैश एक्स, लाइव कैसीनो एक्सेट्रा। मोस्ट बेट में इंस्टेंट डिपॉजिट हो जाता है फ्रॉम ऑनलाइन पेमेंट सच एस गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा। आप अपने विनिंग्स को विदाउट एनी प्रॉब्लम विद्रॉ कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी कमीशन एंड 24/7 कस्टमर हेल्प इज अवेलेबल। लाखों लोग इस गेम को खेल रहे हैं एवरी डे और हर दिन वो लोग जीत रहे हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। एंड्रयू रसेल बहुत एक्साइटेड है आपके साथ ये सीक्रेट प्रोमो कोड शेयर करने के लिए जो कि है हैप्पी HAPPY। लेट्स सेलिब्रेट दिस स्पेशल मोमेंट विद एंड्रयू रसेल एंड मोस्ट बेट बट ऑल्सो विन एक्साइटिंग प्राइजेस। मोस्ट बेट इज नंबर वन इन इंडिया एंड लिंक मैंने नीचे दिया है। वीडियो को पॉज करिए, लिंक को अभी क्लिक करिए। चलो वेलकम टू नागा किचन गाइस। सो आज क्योंकि रेस्टोरेंट ओपनिंग का पहला दिन है तो हम लोग सबसे पहले रिबन कटिंग सेरेमनी करेंगे, थोड़ा गॉड को प्रे करेंगे, उसके बाद हमारा ये नया जर्नी स्टार्ट करते हैं। As you know guys, कुछ भी काम की अच्छी शुरुआत के लिए हमें गॉड को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। सो क्योंकि नागा किचन की ओपनिंग का आज पहला दिन है तो हम सब लोगों ने मिलकर गॉड को याद किया और दिल से प्रे किया। It is so delicious. I come here with family and friends. Aku ayah enjoy kerja. Very nice. Ni aku mahu orang ala dobi melai dong. Enak kan tepuk dong, tepuk itu. बहुत बढ़िया, यू कम एंड टेस्ट योर सेल्फ। बहुत अच्छा है, ये ईरिंग बिल्डिंग में है, आप लोग जैसा भी आके टेस्ट करके जाइए। पूरा गाइड हूं, आई डू वांट टू कम एंड पाडू। फर्स्ट टाइम है असनागा किचन में और आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। नीचे वाला जो था उससे अपग्रेड हो गया ना, कल से पासीघाट में वन ऑफ द बेस्ट होगा। बहुत अच्छा से सुन रहा है लेकिन आज फर्स्ट टाइम आया है, अभी खाया तो बहुत टेस्ट है। मैं सबसे कहूँगा कि यहाँ आके टेस्ट कीजिए, बहुत बढ़िया है। आज हम यहाँ पे नागा किचन पासीघाट में आए हैं मेरा फैमिली के साथ। हमने यहाँ पे आकर के नागा थाली और गालो थाली आदि थाली भी हमने मंगवाया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो हर किसी को ये रिकमेंड करना चाहूँगा, मुझे यहाँ का कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उम्दा है। प्राइस जो है बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल है हर किसी के लिए। यहाँ का जो भी इतना आप देख सकते हो बहुत ही नीट और क्लीन है। वेरी हैप्पी फाइनली हो गया।
इतना दिन से हम लोग मेहनत कर रहा था। सबको कुछ खाना पीना सर्व कर लेने के बाद अभी हम लोग एंजॉय करते हैं रेड वेलवेट केक और बिरयानी। और चलिए आपको मिलाते हैं इस रेस्टोरेंट के मैनेजर से। माय नेम इज गोनू छेत्री। आप सभी ने लाइक फूड ब्लॉग का पहले वाला प्रीवियस ब्लॉग लुक में देखा होगा, हम लोग का नागा किचन पहले जो नीचे में था ना, छोटा करके था, तो अभी हम लोग का अपग्रेड हो गया, ऊपर में आ गया है। आप लोग देख सकते हो ना, बड़ा है, काम भी ज्यादा होगा। मेरे लिए एक चैलेंज है तो हम फेस करने के लिए रेडी है। अगर आपको अपना पर्सनल स्पेस पसंद है और इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट जस्ट लाइक मी, सो यहाँ पे ऐसा कैबिन रूम्स अवेलेबल है जहाँ पे आप आराम से पीसफुली अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये प्लस पॉइंट है कि इतने अफोर्डेबल फूड प्राइसेस के साथ पूरे रेस्टोरेंट में आपको एयर कंडीशनिंग मिलेगा। ओह माय गॉड, फर्स्ट डे है, अभी बहुत सारा तैयारी करना बाकी है। तो किचन में आज का जो लंच और डिनर है उसका प्रिपरेशन शुरू हो गया है। बहुत सारे लोकल क्विजीन्स, फ्राइड आइटम्स, स्टीम आइटम्स, साइड डिशेस, बहुत सारा प्रिपरेशन करना बाकी है। एंड एवरीथिंग असाइड गाइस, जब भी मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि वॉशरूम उसमें अच्छा सा होना चाहिए। और यहाँ पे दो टॉयलेट्स है एंड बेसिन अवेलेबल है, सो आई लव इट। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, नया उन्होंने डिश इंट्रोड्यूस किया है, वो है प्रॉन चिली। सरिया में प्रॉन खाने को मिलता नहीं है तो मैंने प्रॉन चिली ऑर्डर किया। और माय फेवरेट गालो थाली, स्टीम फिश वाला थाली है। सुपर हंग्री एंड सुपर एक्साइटेड। गाइस अभी वही खाने वाली है, नागा स्मोक पोर्क थाली। और ये सब साइड डिशेस है। राइस का क्वांटिटी आई थिंक बहुत ज्यादा है राइस का ना। तो मेरी फ्रेंड ओई ने ऑर्डर किया है नागा स्मोक पोर्क थाली। तो एज द नेम सजेस्ट, थाली में बहुत सारे आइटम्स हैं। मेन हमारा है स्मोक पोर्क करी, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो कि बहुत ही स्पाइसी और डिलीशियस था। एंड उसका पीसेस गाइस, ओ माय गॉड, द पीसेस ऑफ द पोर्क वेर सो सॉफ्ट, वो मेल्ट कर रहा था माउथ में लिटरली, एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स। इसको कासियांग बोलता है और ये हमेशा साइड डिशेस में रहता ही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ थाली ज्योति ने ऑर्डर किया, जिसमें स्पेशल आइटम था स्टीम्ड फिश विद वाइल्ड हर्ब्स। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इट्स यम्मी एंड हेल्दी एट द सेम टाइम। इसका फ्लेवर जो पूरा घी घी वाला है। हाँ, ये ना अपना कंफ्यूज हो रहा है क्या खाएगा ऐसा हो रहा है, देखिए ना। और जो थर्ड टाइप ऑफ थाली हम लोगों ने ऑर्डर किया वो था गालो स्टीम्ड पोर्क थाली, विच इज माय ऑल टाइम फेवरेट। पोर्क का इतना बड़ा वाला पीस दिया है गाइस, देखिए नागा किचन में थाली की स्पेशल बात यही है कि साइड डिशेस बहुत सारे हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट है ये वाला अमिनोइन, जो कि राइस से बनाया जाता है। कहाँ रखेगा, जगह ही नहीं है रखने का, मतलब कि और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर करने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये स्टीम किया हुआ है तो जितना फ्लेवर स्टीम करने का समय क्या होता है, फ्लेवर जितना अंदर ही रह जाता है। ओके, लेकिन यहाँ का खाना थोड़ा स्पाइसी है तो आप बोल सकते हैं स्पाइस कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ ने मुझे बोला है किंग चिली है। ओए, हम तुम्हारा ये स्मोक नागा पोर्क ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ले लो, बहुत टेस्टी है। कब से मेरा नजर इसका ग्रेवी में था। गाइज आपको तो पता ही है कि जब भूख लग जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया प्रॉन चिली
गार्लिक चिकन फ्राइज एंड चिकन बिरयानी। ये हम लोग का फाइनल है, मतलब इतना खाया है और फाइनल में भी हम लोग पूरा मैंने लेकिन ओनर को तो मिला ही नहीं। Hi, I am Garvi Riba and this is my mom Pagam and today is the opening of our restaurant Naya Kitchen. Graduation करके हम भी jobs के लिए हम वो कर रहे, क्योंकि हम लोग का यहाँ में ऐसे भी government job का बहुत अलग सा craze है, तो हम भी in the same race हम भी job के लिए prepare कर रहा था। घर से हमेशा पैसा मांगने के लिए भी, pocket money के लिए भी comfortable नहीं feel होता है ना, इसलिए मैं आपको self sustain करने के लिए हम एक छोटा सा restaurant शुरू करेगा बोल के नाना किचन का जो beginning है वो जो बहुत humble था, बहुत छोटा सा space में शुरू किया हमने, like it was like budget भी बहुत कम था, इतना बड़ा space खोलने का भी नहीं था, तो मतलब दिमाग में ऐसे आइडिया आया कि पासीघाट में हम लोग का रेस्टोरेंट तो बहुत सारा है बट ऐसा स्पेस जहाँ में लोकल क्विजीन जो हम लोग का ऑथेंटिक ट्राइबल फूड है, ऐसा क्विजीन को आदमी एंजॉय कर रहा था, जगह हम लोग गुवाहाटी में जाओ या फिर बाहर दिल्ली में जाओ तो बहुत सारा होता है बट हमारे टाउन में नहीं है, इसीलिए ये आइडिया को लेके ही मैंने सोचा कि छोटा से शुरुआत करेगा। उस समय में तो मेरा फ्रेंड्स लोग ने मेरा इतना साथ दिया, इतना दोस्ती इतना हद तक कर सकता है वो, उसी समय हम उसका दोस्त लोग इतना काफ़ रहती है सब लगाने में भी, दोस्त लोग भी पूरा ऐसा लुढ़क लुढ़क के हम याद रहे ना रोल कर करके कारपेट को लगाने में मदद कर रहे थे, अपना पेंट ये सब भी ना वॉल पेंट ये सब भी। दे वेयर माई सपोर्ट सिस्टम और माई मॉम शी वॉज माई सपोर्ट सिस्टम, तो उसके लिए हम अपना मतलब जितना भी हम उन लोगों को थैंक्स बोलो कम है। हम लोग इतना बड़ा स्पेस में आज शिफ्ट कर पाया, खोल पाया, ये सब आज सब पासीघाट का और बाहर से जो लोग हम लोग का यहाँ में आता है वो लोग का प्यार का वजह से ही है। तो हम लोग का नया किचन पासीघाट मेन मार्केट में है, इरिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में, और अगर आप लोग आसाम से जोनाई से आ रहा है तो SBI बैंक को क्रॉस करने के बाद मेन हाईवे के राइट साइड में है, फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग में, ऊपर में बहुत बड़ा से बोर्ड भी है, तो प्लीज डू कम एंड विजिट। हम लोग यहाँ पार्टी इवेंट्स और कैटरिंग सर्विस ये सब भी प्रोवाइड करते हैं, होम डिलीवरी भी करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग आइए हम लोग का यहाँ का कुछ इंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज माई ड्रीम रेस्टोरेंट, मतलब ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का है, बट मेरा सपना ये है, हाँ ये तुम्हारा भी नहीं है बट हमारा सपना में ऐसा है कि ऐसा रेस्टोरेंट हमारा भी हो, बट ऑब्वियसली मैं भी छोटे से ही मतलब कार्वी से बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ और मैं भी छोटा सा ही रेस्टोरेंट खोलूँगी, उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को पसंद आएगा तभी मुझे भी इसी टाइप का रेस्टोरेंट खोलना है। डेफिनेटली माई ड्रीम रेस्टोरेंट गाइज, एंड आप कमेंट करिए कि अगर आपको भी रेस्टोरेंट खोलने का मन है तो ये कैसा लगा आपको। ये ज्योति है जी जी ब्लॉग्स, जो कि गायब है आजकल YouTube से। क्यों गायब है तुम? आ गया क्योंकि इसका घर में पानी नहीं आ रहा है, ये YouTube में वीडियो नहीं डाल रहा है। व्हाट इज दिस वापस आ गया ज्योति इज बैक। तो ये है कार्वी जिससे मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, सुपर सुपर इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि मैं भी एक फूडी हूँ। तो कॉलेज के समय कब मुझे पता चला कि ये बहुत आगे जाने वाली है, मैगी का रात का 2 बजे ये बनाता था, पूरा चीज प्याज मिर्चा क्या क्या डाल के इतना टेस्टी मैगी बनाता था ना हॉस्टल में। ओ माय गॉड, हमसे ज्यादा तुम अच्छा कुक था। आई स्टिल रिमेम्बर पूरा हम लोग का केटल, मैगी केटल में ही सब कुछ बन जाता था, चिकन पोर्क सब एवरीथिंग। और हाँ ये भी इंटरेस्ट था, लेकिन इसने अपने ड्रीम को एक्चुअल शेप दे दिया है इस रेस्टोरेंट के नाम पे, एंड इट्स लुकिंग ऑसम एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। इससे भी अच्छा होगा तुम्हारा, बिकॉज हम लोग सबको पता है कि स्पेशली अरुणाचल में, मतलब ऑफेंड मत होना लेकिन गालो ट्राइब का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, और आपके उसको टेस्ट करने के लिए आपको इस रेस्टोरेंट में जरूर आना पड़ेगा। एंड थैंक यू कर्वी फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ बाय आंटी, थैंक यू।